कोई नहीं बैठा मजदूर सारे पेड़ बंदे हैं सारे पेड़ बैठे ने ठीक है ना और अपन चाहिए भी चीजा थोड़ा जा ना आप थोड़ा पिछले लाके चलिए थोड़ी ह्यूमनिटी बारे भी सोचिए देखो सारे देखो 3 घंटे हो गए जी लखां दे हिसाब नाल दुनिया परेशान पानी नहीं रोटी नहीं बंदे जनानियां परेशान हो रही हैं ट्रैक्टर जो है अरुण के ऊपर भाई साहब दो दो तीन तीन लाख के म्यूजिक सिस्टम लगा रखे कोई भी ट्रैक्टर ऐसा नहीं जिसको म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा हुआ हो ठीक है और उसके स्कॉर्प फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली लगा रखी है। दोस्तों इस छोटी सी वीडियो क्लिप से आप इतना तो समझ गए होंगे कि इस किसान आंदोलन से किसान ही परेशान है। पंजाब के लोग भी किसान आंदोलन कर रहे लोगों से परेशान है और वो इसलिए क्योंकि इन लोगों ने पंजाब के बॉर्डर पर जाम लगाकर पंजाब को अलग कर दिया। वो इस बात से परेशान है कि कैसे ये लोग ब्रांड न्यू ट्रैक्टरों पर लाखों के स्पीकर लगाकर या फिर फॉर्च्यूनर के ट्रोले लगाकर आंदोलन कर रहे हैं जिससे परेशान हो रहा है पंजाब का आम आदमी। कैसे कोई आदमी दिल्ली से पंजाब या फिर दिल्ली से बाहर जाएगा। इन लोगों को इस बात से कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, ना तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ना हम ये कहेंगे कि यहाँ पर आंदोलन करने वाले किसान नहीं है, ना हम ये कहेंगे कि यहाँ पर मोदी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम सिर्फ आपको वो दिखाएंगे जो इस आंदोलन में हो रहा है। तो देखिए ये एक वीडियो क्लिप। दिल्ली दी सड़कां ते रौला पाउंदे आ जिवें असीं इंदिरा गांधी चकती ऐ मोदी नूं चक देंगे। हालात खराब करदे कि नहीं करदे? असीं खालिस्तान बना देंगे, असीं ओह कर देंगे। ओह तुसीं दसो वी ओह उत्थे किसान बैठे आ, ओह किसान है। इस करके अज साडे नाल हालात ए बने आ जिहड़े सिख आ गुरू दे ओह ऐ नहीं। दोस्तों इस वीडियो में एक सिख भाई द्वारा बताया जा रहा है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इनमें कोई खालिस्तान बनाने की बात करता है। कोई बोलता है कि जैसे हमने इंदिरा गांधी को मार दिया वैसे हम मोदी को भी मार देंगे। सिख भाई ने आगे ये भी बोला है कि इन्हीं लोगों की वजह से हालात खराब हुए हैं और बदनाम हम हो गए। दोस्तों जिस आंदोलन में ऐसे नारे लगते हो तो देख कर ऐसा लगता है कि यह कोई किसान आंदोलन तो नहीं है। ऐसी बातें सुनकर लगता है कि मुद्दा अगर MSP है तो इसमें पंजाब को भारत से अलग करने की बात, पाकिस्तान से संधि करने की बात, मोदी को मारने की बात, भारत को तोड़ने की बात, भारत को खालिस्तान बनाने की बात कहां से आई। देश में आंदोलन तो और भी होते हैं। अपनी तनख्वाह को लेकर शिक्षक भी आंदोलन करते हैं, रोजगार को लेकर युवा भी आंदोलन करते हैं, रिजर्वेशन को लेकर भी आंदोलन होते हैं, लेकिन PM को मारने या फिर भारत के टुकड़े करने की बातें नहीं आती। आज खुद पंजाब का ही आदमी ये बात पूछ रहा है कि भाई ये लोग कैसे किसान हैं जो ट्रैक्टरों पर लाखों रुपयों के स्पीकर लगाकर फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली लगाकर 6-6 महीने का राशन लेकर आ रहे हैं। दोस्तों इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि सब आंदोलनकारियों का मोटिव कुछ और है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि आंदोलन करने वाले सभी लोग किसानों के लिए लड़ रहे हैं। आंदोलन कर रहे कुछ लोगों की बातें सुनकर लगता नहीं है कि वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि इरादा कुछ और ही लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं कि इस आंदोलन के प्रति आपकी क्या राय है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।